हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल और गीक वर्ल्ड में। आज मैं चला रहा हूँ बिल्कुल नया HP 125 होंडा की ओर से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या क्या नया है इसमें। सबसे पहले आप ये देख सकते हो टैंक शॉट, यहाँ पे पहले में 2 लेयर्स थे, अभी 3 लेयर्स है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अलग कलर है, यहाँ पे एक अलग, ये अलग कलर। तो ऐसे एक 3 लेयर सिस्टम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्कुलर दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा इसका श्राउड एक्सटेंडर है, तो इसके वजह से बहुत मस्कुलर दिख रहा है। यहाँ पे है 125 सीसी का इंजन, इसमें फ्यूल इंजेक्शन ऐड हुआ है। और आप पीछे की तरफ देख सकते हो, ये बहुत स्लीक ऐसे आराम से ऐसे निकल जाता है। और टेल लैम्प की तरफ आए तो टेल लैम्प काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे टी शेप का टेल लैम्प है। और एक चीज़, इसमें जो व्हील्स है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स है इसमें भी अलग टाइप का डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिया हुआ है इस अलॉय में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो ब्रेकिंग है, ये फिलहाल तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आ रहा है, जो कि होंडा का पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें बैक रियर ब्रेक जो अप्लाई करोगे तो फ्रंट ब्रेक साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है आपको अच्छी ब्रेकिंग देने के लिए। और यहाँ पे फ्री, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल नया फेस है इसका। जो वाइजर है ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, ऐसे पॉइंटेड है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैं इसको ऑन करके बताता हूँ। ये रहा इग्निशन और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पास स्विच भी दिया गया है, जिससे आप आराम से पास कर सकते हो इंडिकेटर से। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे ब्लिंकर्स है, यहाँ पे न्यूट्रल, और ये है इसका इंजन मैलफंक्शन का ऑप्शन। और यहाँ पे है फ्यूल गेज, यहाँ पे स्पीडोमीटर, टाइम, यहाँ पे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो कि 53.8 बता रहा है, काफ़ी अच्छा है 125 सीसी के हिसाब से। और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। इसका जो स्विच गियर का क्वालिटी है वो पहले से बहुत अच्छा है। यहाँ पे पास स्विच है, और ये है इंडिकेटर्स, ये हॉर्न, और यहाँ पे इंजन किल स्विच, और उसके साथ एम्बेडेड इसका जो स्टार्टर है वो इसमें एम्बेडेड है। तो इसको स्टार्ट करता हूँ, इसमें ECG है जिसके वजह से बहुत ही साइलेंटली ये स्टार्ट होता है। तो ये देखो, देखा बहुत ही मतलब शांत तरीके से ये साइलेंट से स्टार्ट हो गया। तो ये है ओवरऑल शाइन, सॉरी SP125, बार बार शाइन निकल जा रहा है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बैठने के लिए, सीट बहुत बड़ा है। और तो ये है वॉक अराउंड रिव्यू। देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में।